नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात जरूरी है में आपका स्वागत है। यहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियां। आज की कहानी का नाम है सनसेट बुलेवार्ड, जिसको लिखा है गुलजार साहब ने। वैसे तो शायद आप गुलजार साहब को फिल्मों के जरिए से जानते होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे गुलजार साहब को आपसे रूबरू कराऊंगा जिनको आप शायद बहुत कम जानते होंगे। वो गुलजार साहब जिन्होंने एक कहानी लिखी सनसेट बुलेवार्ड। बुलेवार्ड का मतलब वो रास्ता जहां से सनसेट दिखाई देता है। ये कहानी चारुलता की है, जो बहुत मशहूर फिल्म स्टार थी और अब सनसेट बुलेवार्ड नाम के अपने बंगले में दुनिया से दूर, ग्लैमर से दूर जी रही हैं। उन्हें इंतजार है कि वो पुराने दिन लौट कर जरूर आएंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी सनसेट बुलेवार्ड। पोस्टमार्टम के वक्त भी मिश्रा जी का वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिजा हुआ था। उस रोज भी चारू जी अपने मामूल के मुताबिक सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मामूल से थोड़ी सी ज्यादा उत्साहित थी। सुबह सैर को जाया करती थी, हमेशा ही अच्छे तरह तैयार होकर, बाल कंघी, हल्की सी क्रीम, ताकि जिल्द पर उम्र की झुर्रियां होते हुए भी बुढ़ापे के फटे हुए रेशे नजर ना आए। पोशाक तो हमेशा उनकी अभिरुचि और सलीके का सबूत देती थी। शिवदत्त से हमेशा कहा करती थी, देखो आज भी लोग हमें देखते हैं तो कनखियों से खुसुर पुसुर करते हैं, इशारे करते हैं कि चारुलता जा रही हैं। खुद के लिए ना सही, अपने प्रशंसकों के लिए हमें सही सलीके से रहना चाहिए। शिवदत्त उनका खानसामा था। उनके सामने गया तो आईने के सामने खड़ी खुद से ही कुछ बात कर रही थी। जरा सी झेप गई, शिवदत्त मुस्कुरा दिया। इस उम्र में भी मैडम की शर्माने की अदा कमाल थी। इसी अदा ने जवानी में लाखों दीवानों की जान ले ली थी। शिवदत्त, कोई गोपाल मिश्रा आने वाले हैं हमसे मिलने, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। कौन है? जरा तामुल से शिवदत्त ने पूछा। कोई राइटर है, हम पर किताब लिखना चाहते हैं। उस रोज चारू जी की चाल में इसलिए उत्साह कुछ ज्यादा था, फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के इतने साल बाद किसी को तो उस एकाकी जीव का ख्याल आया। शुरू शुरू में बहुत जर्नलिस्ट आया करते थे उस दूर दराज के बंगले पर। महाबलेश्वर रोज कौन कौन आता है? और चारुलता भी बहुत साल अपनी एक लहर पलट की उम्मीद पर जीती रही, यानी वो गुजरे हुए दिन की लहर फिर पलट कर आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से आना जाना कम हो गया, कुछ उम्र सीधा किरदारों के रोल भी पेश हुए, लेकिन बूढ़ों के रोल चारू जी ने मंजूर ना किए। आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी ऊंची करके अक्सर देखा था खुद को कि गर्दन पर कोई सिलवट नहीं थी, उम्र का कोई निशान नजर ना आया। खुद से कुछ मुकामले भी हुए, यानी बातचीत। अक्स ने कभी ना बताया कि तुम्हारी उम्र हो गई है, ये अक्स सिर्फ फिल्मों में बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर सहानी ने जरूर कहा था, पहले हार्ट प्रॉब्लम के बाद। देखो, तुम्हारा दिल अब इतना सब नहीं सह सकता जितना बोझ उस पर डालती हो, किसी दिन खड़े खड़े फ्यूज उड़ जाएगा। सिंह साहब होते तो शायद। शिवदत्त ने खबर दी, मिश्रा जी आए हैं। हैं? हाँ, मिश्रा जी। इंतजार के बावजूद चारुलता नाम सुनकर चौंक गई। बिठाओ, नीचे हॉल में बिठाओ। सोफे से गिलाफ उतार दिए ना? जी मैडम। और शैंडलियर रोशन कर दिया ना? जी मैडम। शिवदत्त अपना कर्तव्य खूब समझता था। वो आज भी मैडम की धाक जमा कर रखता था लोगों पर। कभी कभी किसी प्रशंसक का कोई खत आ जाता तो वो बाजार में 10 जगह जिक्र करता। चारुलता जी ने नेकलेस पहने पहने महसूस किया कि उनकी गर्दन कुछ दुबली हो गई है। गुलबंद होता तो ये कमी छुप जाती,
लेकिन उसे बिके तो 2 साल हुए। 3,000 का लिया था किसी ज़माने में, अब बिका 30,000 का। सिंह साहब होते तो कभी नहीं बेचने देते। चारुलता जब सीढ़ियों से उतरी तो बिल्कुल फिल्म का किरदार लग रही थी। अभी आवाज़ आएगी, स्टार्ट साउंड कैमरा। मिश्रा जी हॉल में लगे कुछ संगमरमर के बुतों को गौर से देख रहे थे। उनके हाथ में पैड नुमा कॉपी थी जिसमें शायद कुछ नोट भी कर लिया था। चारू जी को देखकर मिश्रा जी ने बड़े अदब से नमस्कार किया। तशरीफ रखिए। मिश्रा जी बाअदब सोफे पर बैठ गए। बड़ा असर पड़ता था चारू जी की शख्सियत का। बहुत देर तक मिश्रा जी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। शुक्र हुआ कि शिवदत्त चाय की ट्रे लेकर आ गया, 2 तश्तरियों में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। चारू जी ने चाय बनाई। मेरा पता कहाँ से मिला? गोयल साहब ने दिया, आपके मैनेजर है ना बंबई में। बहुत अच्छा इंसान है गोयल, बहुत सारे साल मेरे साथ काम किया है उसने, अब भी वही देखरेख करता है। चाय लीजिए। फिर एक वक्फा तैरता हुआ बीच से गुजर गया। चारू जी खुद ही बोलने लगी, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ, ज़्यादा काम करना कभी पसंद न था। उस वक्त भी ज़्यादा फिल्में नहीं की जब दिन रात प्रोड्यूसरों का तांता लगा रहता था, बस भागकर यहीं आ छुपा करती थी। मैं आपका मकान देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, तशरीफ लाइए। चारू जी उन्हें साथ लेकर संगमरमर के उन बुतों के पास खड़ी हो गई। इटली से लाई थी ये जोड़ी, बड़ी मुश्किल हुई थी इसे सही सलामत यहाँ लाने में। कई साल तो मेरे बंबई वाले मकान में रही, आपने तो शायद उसे नहीं देखा होगा। बड़ा मुख्तसर सा जवाब था लेकिन मुस्कुराहट काफ़ी लंबी थी। बरामदे से गुजरती हुई चारू जी ने बताया, बड़े शौक से बनवाया था मकान हमने, सिंह साहब से बड़े झगड़े हुआ करते थे तब, कभी पत्थर के चुनाव पर कभी लकड़ी के इंतखाब में। ये टाइलें सिंह साहब बेंगलोर से लाए थे। मकान का नाम मैंने एक अंग्रेजी फिल्म से रखा था, सनसेट बुलेवार्ड। और ये पिंजरा जिसमें कभी कोई परिंदा रखा नहीं हमने, पता नहीं क्यों उठा लाए थे एक रोज़। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी जैसे कोई सीन कर रही हूँ। एक बार शिवदत्त ने भी बाहर झांक कर देखा, इस तरह हंसते तो कभी नहीं देखा था मैडम को। हाँ वो ज़माना था जब नूर और नीला आ जाया करती थीं, उनकी हम उम्र हीरोइन। चारुलता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कह रही थी, बस यही कहती, मुझको कैद कर लो इस पिंजरे में। वो कहते तो फिर उसे भी संगमरमर का बनवाना पड़ेगा, संगमरमर बहुत पसंद है मुझे, उस पर नंगे पैर चलते हुए बहुत अच्छा लगता है सिंह साहब को। ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है। वो कद्दे आदम तस्वीर थी सिंह साहब की, ऊपर के बरामदे में लगी। दोनों तरफ 2 शमादान, शिवदत्त ने शमें जला दी थी, वो जानता था मैडम वहां जरूर जाएंगी। चुपचाप कुछ देर वो एकटक सिंह साहब के चेहरे को देखती रही, फिर आहिस्ता से दोनों लबरेज आंखें पोंछी और सर झुकाकर मुड़ गई। मिश्रा जी पीछे चल रहे थे और वो कह रही थी, बड़ी छोटी थी हमारी शादीशुदा जिंदगी, सिर्फ 3 साल 4 महीने और 18 दिन। एक बार फिर उन्होंने सुपकी ली। शिवदत्त हॉल से ट्रे हटा चुका था। पानी के लिए एक बार चारू जी ने आवाज़ दी, जवाब ना पाकर समझ गई बाहर होगा बाग में। ये खामोशी का वक्फा अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुड़कर मिश्रा जी से कहा, आपको कुछ पूछना है? इस घर का रकबा कितना होगा? रकबा यानी एरिया। चारू जी ने कुछ हैरानी भरी आंखों से देखा मिश्रा जी की तरफ। रकबा और बिल्डिंग एरिया? चारू जी कुछ बुझ सी गईं, धीरे से कहा, गोयल को मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं गोयल साहब से मालूम कर लूँगा। मिश्रा जी खड़े हो गए। चारुलता सोफों के बाजुओं पर पूरा जोर देकर खड़ी हो गई। आपको गोयल ने किस लिए भेजा था?
ये मकान देखने के लिए कहा था, शायद जल्द ही बेचना पड़े। देख के रखो कोई ग्राहक तैयार हो जाए तो। आपका नाम? चारुलता, बड़ी तुरशी से पूछा। धीरज मिश्रा, प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने की दलाली करता हूँ। अचानक उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। एक बार चिल्लाना चाहा लेकिन जब्त कर गई, गले से आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ हाथ के झटके से उसे बाहर जाने का इशारा किया। ब्रोकर ने सफाई देने की कोशिश की, देखिए गोयल साहब ने आपसे बात करने के लिए मना किया था, कहा था शायद आपको गेट आउट। इस बात पर चारुलता चिल्लाई लेकिन आवाज में एक खरखराहट सी आके ठहर गई। ब्रोकर घबरा के फौरन ही चल दिया। कार्ड हाथ में लिए चारुलता उसे बाहर जाने तक देखती रही। मुड़कर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही वो लड़खड़ाई और दिल का दौरा पड़ा और फिर पोस्टमार्टम के वक्त वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिजा हुआ था। दोस्तों, गुलजार साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा, आपके साथ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए ऐसी कहानियाँ। धन्यवाद।